ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से एक सवाल पूछा और कहा कि अगर तुम सबको 100-100 रुपए का नोट दिया जाए तो तुम सब उसका क्या खरीदोगे। किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदूंगा। एक बच्चा कुछ सोच में डूबा हुआ था। तभी टीचर ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीदोगे खुद के लिए। बच्चा बोला, टीचर जी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए क्या खरीदना है। बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर टीचर का भी गला भर आया। बच्चे ने कहा, सर मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और उन्हें कम दिखाई देने की वजह से वह कपड़े भी नहीं सिल पाती है, इसीलिए सर मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीद कर देना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और बड़ा आदमी बन सकूं जिसके साथ मैं अपनी माँ को सारी सुख सुविधाएं दे सकूं। बच्चे की बात सुनकर टीचर बोला, बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है, ये 100 रुपए रखो और तुम्हारी माँ के लिए एक चश्मा खरीदो और ये 100 रुपए और उधार तुम्हें दे रहा हूं, जब कभी कमाओगे तो मुझे लौटा देना और मेरी इच्छा है कि तुम इतने बड़े आदमी बनो कि तुम्हारे सिर पर हाथ रखते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 20 साल के बाद उसी स्कूल के बाहर बहुत बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। अचानक स्कूल के बाहर जिला कलेक्टर की गाड़ी आकर खड़ी होती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ना सा रह जाता है, स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ समय बाद वह जिला कलेक्टर एक वृद्ध टीचर के पैरों पर गिर पड़ते हैं और उनसे कहते हैं, सर मैं उधार के 100 रुपए लौटाने आया हूं। पूरा स्कूल स्टाफ दंग रह जाता है। फिर वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान यानी जिला कलेक्टर को उठाकर गले मिलते हैं और रो पड़ते हैं। आज टीचर्स डे है, अध्यापक दिवस है, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का एक अनमोल रिश्ता है, एक अनमोल बंधन है। माँ बाप के बाद अध्यापक ही है जो बच्चों की बागडोर संभालते हैं। तो आप सभी अध्यापकों को लाइफ टाइम्स टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।